अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक एज द न्यू ब्रांड वीडियो। आज की वीडियो इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि पीटीआई की तरफ से आने वाला न्यू अपडेट्स के बारे में, कि जो कि आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस देख रहे होंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यूट्यूब की तरफ से आने वाले न्यू अपडेट एंड उसके बाद जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं उसकी सच्चाई और यूट्यूब ने क्या अपडेट किया है या नहीं किया, या किया है तो कौन सा अपडेट किया है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज किस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल आसिफ परदेसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल के आइकन में तो बने और तू तो भाग जा। सो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, वेलकम बैक एज अ ब्रांड वीडियो, तो ये पहले भी आ चुके हैं। सो आज की वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूं बिल्कुल प्रो के साथ। अगर हम पीटीआई की तरफ से जाएं, अगर पीटीआई की तरफ से अपडेट के बारे में, तो जो ट्विटर पे इनका जो एक पोस्ट है उनकी कोई पोस्ट इसके बारे में नहीं की गई, हमने अपडेट कर रहे हैं, बैजेस रूल अलाउ कर रहे हैं। ये जो कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे आपको अक्सर लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि यूट्यूब ने ये अपडेट कर दिया है, आपस में उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है, बाकी उनकी आपस में कॉन्फ्रेंस हुई है FBR और PTI के दरमियान, जो भी PTA के दरमियान पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से जो भी आपस में डिस्कशन हुई है। अगर उस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें, अगर उसमें काफी लंबी चौड़ी बात है तो वो बताऊंगा कि उनके अंदर दरमियान में कौन सी डिस्कस हुई है, कौन सी बात एग्री हुई है और डिसएग्री हुई है, कौन सा जवाब है। एंड उसके अंदर 2017 और 18 के अंदर जो भी पाकिस्तान के अंदर मोबाइल इंपोर्ट हुए हैं उस पर कितना टैक्स लगा है और उन्होंने कितना टैक्स वसूल किया है, सारा मैं आज को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि क्या यह रियल खबर है या हकीकत है या फेक है या झूठी है, तो सारा कुछ बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले अगर हम चले जाएं, अपने यहाँ पर स्क्रीन पे आप साइड पे नजर आ रहे हैं, अगर हम चले जाए फेसबुक की जाने, फेसबुक पे अगर आप सर्च करें PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, इनका पेज आ जाता है ऑफिशियल इनका पेज। अगर इनके पेज के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर इनको हमारे पास कोई किसी किस्म की कोई पोस्ट देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर देखिए, अभी दो दिन पहले आपको अपडेट किया गया है। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आप मोबाइल रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि कोर्स के जरिए भी आप अपना मोबाइल वेरीफाई कर सकते हैं। एंड देन उसके साथ जो नीचे अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कोड मिलाकर भी हमारी वेबसाइट विजिट करके भी कर सकते हैं। एंड उसके नीचे उन्होंने एक पोस्ट किया है, बस वो ये भी एम ही पोस्ट है, उनके नीचे उन्होंने एक पोस्ट किया है स्कैमर अलर्ट के बारे में, यानी जो आपको कह रहे होते हैं कि मोबाइल इतने पैसे दो हम आप मोबाइल अनब्लॉक करके देते हैं, लेकिन वो भी फेक है, तो वही इसका है। तो PTA की तरफ से कोई अपडेट अभी तक जारी नहीं किया गया। अगर कोई PTA की तरफ से कोई किसी किस्म का छोटी बड़ी अपडेट हो तो उनके फेसबुक पेज, ट्विटर पे आप PTA लिखेंगे तो वहां पर भी उनका पेज मिल जाएगा, आप वहां से भी उनको अगर वहां पर वो अपडेट करेंगे तो फिर हमें मिलेगी, तो फिर रियल होगी। अभी ये थोड़े लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बना रही है अपनी ही छोड़ रहे हैं, लेकिन जो PTA की तरफ से कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया, तो जो उनके दरमियान में बातें हुई हैं हाँ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको डिस्कस इस वीडियो में नहीं कर सकता, उसमें कुछ चीजें मुझे अभी पता नहीं है, कुछ मैंने पता करनी है, कुछ मुझे पता है, मैं आपको सारा गाइड करूंगा कितना मोबाइल में इंपोर्ट हुआ है। सो आज की वीडियो सिर्फ मैं आपको बताना था ये सच्ची है झूठी है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ है, आपको बिल्कुल मिसगाइड किया जा रहा है। आप स्क्रीन पे आपको मैंने पेज पे दिखा दिया। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली मरतबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।